उत्तराखंड निकाय महासंग्राम में राजधानी देहरादून निगम का चुनाव अब त्रिकोणीय हो चला है। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए देहरादून निगम सीट प्रतिष्ठा का सबब बनी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने रजनी रावत को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। सोमवार को नामांकन के साथ बीजेपी ने अपना दम दिखाया तो रजनी रावत ने भी नामांकन में अपनी शक्ति दिखाकर मुकाबले के त्रिकोणीय होने के संकेत दे दिए। निकाय चुनाव के लिए मैदान सजने लगा और इसी जंग में आधी आबादी को पूरी तवज्जो दी गई है। वहीं भारी शक्ति बल के साथ बीजेपी मेयर पद के प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रजनी रावत ने नामांकन पत्र भरा। इस दौरान बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की पुरानी पहचान वापस दिलाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि मेयर और जितने हमारे पार्षद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का वोट बने। नगर निगम की जंग अब देहरादून में रोचक हो जाली है। एक तरफ बीजेपी के सुनील उनियाल गामा अपनी जीत का दावा भर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल भी अपने बड़े कद के लिए जाने जाते हैं। तो फिर तीसरी तरफ रजनी रावत की सक्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।